और इस बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की पीएस सौम्या चौरसिया के घर आईटी विभाग का छापा पड़ा है। आईटी विभाग के तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीएस के घर। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई जारी है, जहां पर आईटी विभाग का पूरा अमला साथ ही सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के पीएस के घर आईटी विभाग का बड़ा छापा। सौम्या चौरसिया के घर आयकर विभाग की पूरी टीम पहुंची है, आधा दर्जन अधिकारी साथ ही सीआरपीएफ के जवान जांच में शामिल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर घर के आसपास सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, साथ ही आईटी विभाग का आधा दर्जन अमला पहुंचा हुआ है सीएम भूपेश बघेल की पीएस सौम्या चौरसिया के घर, और लगातार कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आधा दर्जन अधिकारी साथ ही बाहर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के तमाम जवान तैनात किए गए हैं। तो रायपुर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल के पीएस के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा हुआ है, जहां पर आधा दर्जन अधिकारी मौजूद हैं और कार्रवाई को लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की पीएस के घर आयकर विभाग का छापा, आधा दर्जन से अधिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही आसपास सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। और स्टेट हेड नितिन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से लाइव। नितिन जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं तैनाती की गई है सीएम भूपेश बघेल के पीएस के घर, आसपास सीआरपीएफ के जवान और घर के अंदर आधा दर्जन अधिकारी, क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज न्यूज वर्ल्ड अपने दर्शकों के लिए लेके आया है। आज तक की सबसे पहली जानकारी हमने लोगों के लिए प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री की पर्सनल सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पर्सनल सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर भिलाई स्थित सूर्या रेसिडेंसी में आधा दर्जन से ज्यादा आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की है, और सीआरपीएफ जवान, काफी ज्यादा तादाद में सीआरपीएफ जवान वहां मौजूद हैं। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कल से चल रही कार्रवाई में लगातार जो ठिकानों पे छापे पड़ रहे थे, चाहे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के यहाँ या फिर गुरुचरण होरा के यहाँ या फिर अन्य, इसी कार्रवाई को आगे बढ़ते हुए ये कार्रवाई अब मुख्यमंत्री की जो पर्सनल सेक्रेटरी है सौम्या चौरसिया, उनके घर में ये रेड पड़ी है। सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड ने ही इस बात को सामने लाया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी लोगों के ऊपर ये दबिश दी गई है, कहीं ना कहीं से इसमें राजनीतिक अंतर्द्वंद का मामला आ सकता है, और आज सुबह से ही विधानसभा में ये बात रखना चालू हो गई है। तमाम तरह की अटकलें, चाहे वो विधायक मंत्री अमरजीत भगत हो या नेता प्रतिपक्ष हो, इनकी आपस में रस्साकसी इस रेड को लेकर चालू हो गई है। और तमाम इसी कड़ी में कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो पर्सनल सेक्रेटरी है सौम्या चौरसिया, उनके यहाँ ये आधा दर्जन से ज्यादा आयकर अधिकारी और काफी ज्यादा तादाद में सीआरपीएफ के जवानों ने सीरिया रेसिडेंसी में रेड मारी और वहां पर अभी जांच जारी है। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर सौम्या चौरसिया जो की पीएस है सीएम भूपेश बघेल की, उनके घर के आसपास पूरा अमला मौजूद है, घर के अंदर अधिकारी मौजूद है। एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही चल रही है जो कि वैसे ही हंगामे पूर्ण स्थिति में है, एक तरफ ये नया हंगामा जहां लगातार अधिकारियों पर और नेताओं पर छापामार कार्यवाही हो रही है। और जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की पीएस पर्सनल सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर छापा पड़ा है, किन आधार पर यह छापा पड़ा और अभी तक क्या कुछ बयान कांग्रेस की तरफ से आ पा रहे हैं, क्योंकि लगातार कार्रवाई होती जा रही है? देखिए, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कोई बहुत पुख्ता जानकारी आधिकारिक रूप से किसी भी कार्रवाई को लेके इनकम टैक्स विभाग या केंद्रीय जांच दल जो टीम आई हुई है उसकी तरफ से नहीं आया है। छुटपुट जानकारी या कहीं और से सूत्रों की जानकारी से हमें मिला है कि बहुत बड़ी तादाद में कोई भारी मात्रा में कोई रकम या ऐसी बात नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ डायरी जो है, आबकारी विभाग के जो एएसडी हैं त्रिपाठी, उनके घर से किसी तरह की एक डायरी जब्त हुई है सूत्रों की खबर के अनुसार, हम माने तो उस डायरी को ले जांच आधार बनाकर ही आगे की जांच जारी रखी है। और कल हुई रेडों में जो कार्रवाई है वो अभी तक जारी है, उसमें किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं आया है। जहां तक राजनीतिक बयानबाजी की हम बात करें तो आज सुबह जब कल देर रात आयकर विभाग की 30 गाड़ियों को नो पार्किंग
पार्किंग का बहाना बना के पुलिस विभाग ने जब्ती करके पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया। उसके बाद से सुबह से सदन में राजनीतिक इस आईटी रेड को लेकर राजनीतिक जो बयानबाजी है वो तेज हुई। शिवरतन शर्मा ने जो कि विधायक हैं भाटापारा से, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस तरह से जो एक सामान्य प्रशासन की विभाग की आयकर विभाग की एक सामान्य कार्रवाई है, इसको राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रही है कांग्रेस, और इसके इसमें बदला लेते हुए वो जो आयकर विभाग की केंद्रीय जांच दल की टीम आई हुई है उनकी टैक्सी को नो पार्किंग का बहाना बना के बिना किसी तरह का चालान काटे सीधे जब्ती करने का बहाना कर रही है राज्य शासन। वहीं अगर हम अरिजीत भगत मंत्री से हमने इस बारे में बात की, उनका यह कहना था कि ये दबाव की राजनीति कर रही है केंद्र शासन का। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात नहीं करें, उन्होंने पी चिदम्बरम का बहाना लेते हुए, पी चिदम्बरम का उदाहरण लेते हुए बिहार और अन्य राज्यों में जिस तरह से केंद्र की सरकार के विरोध में जो आला नेता थे या अधिकारीगण थे या जो भी कार्रवाई हुई उनका हवाला देते हुए सीधे केंद्र की ओर इशारा किया कि दबाव की राजनीति इन रेडों के जरिए करने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार। और इस तरह से इसके बाद राजनीतिक हलचलों में इस रेड को लेके राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ठनी सी स्थिति नजर आ रही है और साफ तौर पर यही इल्जाम लगाया जा रहा है कि अब दबाव की राजनीति करते हुए केंद्र की सरकार नजर आ रही है और आईटी विभाग के लगातार छापे पड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि इन छापे पर क्या कुछ निकल कर आता है, क्या वाकई ये बदलापुर की राजनीति है, क्या बाकी दबाव की राजनीति है, या जो तमाम खबरें हैं उसमें कोई सच्चाई भी है। नितिन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें एक बार आप फिर देख लीजिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सौम्या चौरसिया जो कि सीएम भूपेश बघेल की पर्सनल सेक्रेटरी है, उनके घर के आसपास सीआरपीएफ का पूरा हमला है, साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी इस वक्त मौजूद है उस घर पर। अब देखने वाली बात है कि उससे क्या कुछ निकल कर आता है, जांच लगातार जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, पेपर्स खंगाले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ निकल कर आता है आईटी की कार्रवाई में।